2019 की हेल बॉय। इस पिक्चर को जितनी हेट मिली है उतने में तो आदमी पिक्चर बनाना छोड़ दे। क्रिटिक्स ने इस पिक्चर तो को यह तक कह दिया कि पिक्चर केओटिक, सेंसलेस और बिना डायरेक्शन की है। अब देखो, मैं हर एक शख्स की ओपिनियन को रिस्पेक्ट करता हूँ और आम जनता के रिव्यू को ऊपर रखता हूँ क्रिटिक्स से, क्योंकि जनता को कुछ मिलना जुलना तो है नहीं, पिक्चर जैसी लगी वैसा बोल देते हैं। अब देखो, जिन लोगों को जानना है कि मेरा इस फिल्म पे पर्सनल स्टैंड क्या है, मैं बता देता हूँ, मेरे को पिक्चर सही लगी। टू बी ऑनेस्ट, पिक्चर ने एंटरटेन किया आर रेटिंग होने के बावजूद। ये कोई ऐसी पिक्चर नहीं है जो पूरा इन डेप्थ में हो, अपने चार दोस्तों के साथ पॉपकॉर्न खा के पिक्चर देख सकते हो, एक गिल्टी प्लेजर मिलता है मूवी से। मगर इतना नहीं है कि बहुत ही खराब पिक्चर है, इससे खराब पिक्चर तो मैंने अपने 7 जन्मों में नहीं देखी। इतना ओवर रिएक्ट करने का कोई मतलब नहीं है। हेलो बेटे। मगर फिर भी जिस हिसाब से क्रिटिक्स ने इसे पीला है, कसम से इतनी नाराजगी, इतनी बुरी भी पिक्चर ये नहीं थी। और आगे बढ़ने से पहले, हेलो एवरीवन, मैं हूँ पीजे और आप देख रहे हैं पीजे एक्सप्लेन। अब देखो, कोई पिक्चर कैसा परफॉर्म करने वाली है उसका प्रिडिक्शन लगाना तो बहुत ही मुश्किल है, मगर जिस पिक्चर को रिलीज हुए काफी समय हो चुका है उस पर कंफर्म निष्कर्ष निकाला जा सकता है। अब देखो, क्रिटिक्स की बात जो थी सो थी, उनको जैसा हगना था वो हग दिए, मगर जनता भी पिक्चर तो देखने नहीं गई यार। अपने 50 मिलियन बजट के अपोजिट इसने सिर्फ 45 मिलियन डॉलर्स कमाए। अब कई लोग बोलेंगे कि जनता को पिक्चर पसंद ही नहीं आई। मैं कहता हूँ, जब देखने गए ही नहीं तो पसंद ना पसंद की बात कहाँ से आई। मैं तुम्हारी टीम का हूँ यार। अब इसका बॉक्स ऑफिस पे ऐसा परफॉर्म करने का भी एक और कारण है कि पिक्चर बहुत ही गलत समय पे रिलीज हुई। जी हाँ, पिक्चर की रिलीज डेट बहुत ही गलत टाइमिंग पे हुई। तो पहले तो पिक्चर की इनिशियल ऑफिशियल रिलीज डेट थी 12 अप्रैल 2019, और इस पिक्चर के रिलीज होने से पहले 5 अप्रैल को डीसी की शज़ाम आई थी जो इसके बॉक्स ऑफिस को इफेक्ट कर रही थी। मगर तब भी उम्मीद थी कि पिक्चर सही चल जाएगी। मगर पिक्चर रिलीज होने के एक ही हफ्ते के अंदर 19 अप्रैल को कॉन्जरिंग यूनिवर्स की द कर्स ऑफ लाल अरोना रिलीज हुई। उस पिक्चर की भी मार्केटिंग काफी अग्रेसिव थी क्योंकि वो मूवी कॉन्जरिंग यूनिवर्स का पार्ट था, और उसके 9 मिलियन डॉलर बजट के अपोजिट उसने कमाए 123 मिलियन डॉलर। मुझे ठीक नहीं लग रहा है, सॉरी मैं जा रहा हूँ। खैर, इसके बाद 26 अप्रैल को दी एवेंजर्स एंड गेम रिलीज हुई। अब इसके बारे में बताने की कोई जरूरत नहीं है भाई, बाहर क्या मेरे तक को टिकट नहीं मिल रही थी, 4 हफ्ते की वेटिंग में देखा हूँ इसको मैं। और फोर्ब्स के हिसाब से हेलबॉय ने अपने दूसरे ही हफ्ते में 73% का ड्रॉप देखा, फकिंग 73% का, आधे से भी ज्यादा गिर गया। और देखेगा भी क्यों नहीं, एंड गेम भाई पिक्चर रिलीज हुई थी, फिर हेलबॉय को कौन याद रखने वाला है। अब देखो, मैंने यह बात तो आपको बता दी कि माहौल ही गलत था, समय ही गलत था। अब तरीके की बात कर लेते हैं। पिक्चर के अंदर ऐसा क्या था जो पब्लिक इसके तरफ खींची नहीं आ रही थी? एक आर रेटिंग भी इसकी एक्सक्यूज माना जा सकता है कि पिक्चर सभी एज ग्रुप्स के लिए नहीं बनी थी, मगर फिर भी 90s के बच्चों के लिए हेलबॉय कोई भुला देने वाला कैरेक्टर नहीं है। हाँ, जानते हैं हम सब कि हेलबॉय कितना कूल कैरेक्टर है, उसके गन देख के ही दुश्मनों की गांडे फट जाती हैं यार, यहाँ तक कि डेडपूल के मन से भी आवाज आएगी, उसकी गन मेरी गन से दमदार कैसे। अब देखो, ये आर रेटिंग वाला कोई बहुत बड़ा एक्सक्यूज नहीं बन सकता, मगर एक बात जरूर कही जा सकती है कि पिक्चर अपने पहले ही पार्ट में बहुत ज्यादा बड़ा दिखने की कोशिश कर रही थी। अब देखो, ये एक रीबूट मूवी की तरह सामने आई थी, तो चलो इन डेप्थ ओरिजिन ही ना सही तो इतनी बड़ी कहानी की कोई जरूरत नहीं थी। फॉर जस्ट एग्जाम्पल, इस मूवी की 3-3 एंडिंग है, सोच सकते हो। ऊपर से इसके बाद भी पिक्चर अपने आने वाले सीक्वल का 2 बार हिंट देती है। अब देखो, सीक्वल आएगा कि नहीं आएगा पता नहीं, क्योंकि स्टूडियोज को पैसा चाहिए, पैसा पिक्चर ने नहीं कमाया तो फिर से रिबूट पे लेंगे। अब जहाँ रही इसकी अपनी पहली ही पिक्चर में इतनी बड़ी कहानी की, तो वो भी अलग अलग पर्सपेक्टिव से, वो भी कमाल है। एक बात तो इस पिक्चर के डायरेक्टर की माननी पड़ेगी, जो नील मार्शल हैं, उन्होंने सिर्फ 50 मिलियन डॉलर में इतना सब कुछ दिखा दिया, यानी सिर्फ 350 करोड़ में, और इतने में तो हमारे यहाँ साहू बनी थी। लेवल देख रहे हो, वहाँ 350 करोड़ में क्या क्या कर देते हैं। खैर, इस पे क्रिटिसिज्म की बात हम फिर कभी करेंगे, मगर एक पिक्चर में ही इतनी बड़ी कहानी होने के बावजूद भी और भी कारण है। पिक्चर खुद मार्वल होना चाह रही थी, ये मैंने अपने से फील किया। इंटेंस सीरियस मोमेंट्स पे जोक्स मारना, फाइट सीन्स को भी फनी रखना, अपने टीम मेंबर्स के बीच में खट्टा मीठा रिश्ता रखना, यहाँ तक कि मूवी के विलन्स की टॉक्स तक में ह्यूमर होना, ये सब मैंने देखा और यहाँ फील भी किया कि पिक्चर मार्वल होना चाह रही थी। और एक एक्सटेंट तक ये सारे जोक्स ठीक भी लगते हैं, मगर उन्होंने ध्यान दिया कि नहीं, ये पिक्चर डार्क टोन होने के साथ साथ डिस्गस्टिंग भी थी, तो कहीं ये सब ज्यादा हो जाता है। मगर अपनी हिंदी डबिंग के कारण कुछ जोक्स तो इंडिया में अच्छे से लिखे गए थे, ये बात तो मैं कहता हूँ। अब अगर आप बहुत ही बड़े मूवी एंथुजियास्ट हैं और आपने ये मूवी इंग्लिश में भी देखी है, तो आपको रियलाइज हुआ होगा कि पिक्चर बहुत ही ज्यादा फनी है, एक बुरे सेंस में। मतलब कि खराब तब लगता है कि जब कैरेक्टर जोक या पंच मारे और आपको हंसी ना आए। और नेवी में एक कहावत कही जाती है, किसकी, अबे चुम्मे वाली किसकी नहीं, एक्रोनॉमी वाली किसकी, मतलब कि कीप इट सिंपल स्टूपिड,
इतना हरी करने की कोई जरूरत नहीं थी, अपने रीबूट की पहली ही पिक्चर थी ना, तो इतने लार्ज स्केल पे स्क्रिप्ट लिखने के कोई मतलब ही नहीं बनता। कहानी फर्स्ट पार्ट के हिसाब से सिंपल भी हो सकती थी, मगर जो भी हिसाब था सही था। तो अब जब इतना रंडापा हो ही गया है तो उस मूवी के कास्ट को भी ये बात पता ही होगी। तो जब पिक्चर की ऑफिशियली फ्लॉप डिक्लेयर हो गई तो हेलबॉय को पोर्ट्रे करने वाले एक्टर डेविड हार्बर ने डिजिटल स्पाय को भी एक स्टेटमेंट दिया और कहा, द प्रॉब्लम दैट आई हैव विद कॉमिक बुक मूवीज नाउअडेज इज दैट आई थिंक एंड इट्स अ रिजल्ट ऑफ द पावर ऑफ मार्वल स्टफ। इट्स लाइक चॉकलेट, इट्स अ फ्लेवर। सो एवरीबॉडी गोज इज चॉकलेट इज डिलीशियस एंड दिस गाय मेक्स द बेस्ट चॉकलेट। So as you judge the movies, it's like, well, it's not as chocolatey as this. This is not taste like chocolate at all. तो इस स्टेटमेंट में उनकी ये बात तो पता चलती ही है कि उन्होंने अपने रोल के लिए अपना 100% दिया और डेविड सर भी कोई बुरे एक्टर नहीं है। स्ट्रेंजर थिंग्स में हमने उनकी एक्टिंग देखी भी है और ऊपर से हेलबॉय का कैरेक्टर उन पर सूट भी कर रहा था। मगर जैसा उन्होंने कहा, ये जो मार्वल इन्फ्लुएंस्ड एनवायरनमेंट बन चुका है तो सबको लाइट हार्टेड पॉपकॉर्न मूवीज चाहिए और जैसी मार्वल बनाता है उसके अलावा कोई कैरेक्टर डेवलपमेंट, मूवी के मोरल्स, अच्छे बुरे की सोच कोई नहीं देखता। और बात यही है, मार्वल को एक स्टैंडर्ड बना के लोग दूसरी सुपर हीरो मूवीज को जज करते हैं। और आगे इस मूवी की फीमेल का सुपर सेक्सी विलन न्यू में द ब्लड क्वीन को पोर्ट्रे करने वाली मिला जोवोविच ने भी एक स्टेटमेंट दिया। काफी लंबा स्टेटमेंट था, चाहे तो पॉज करके पढ़ लो, काफी अच्छा लिखा है इन्होंने। तो सिंपल भाषा में एक लाइन में बोलूं तो इन्होंने कहा कि बहुत ही बेहतरीन पिक्चर्स को क्रिटिक्स हमेशा ही बुरा भला कहते हैं। और भी इन्होंने बहुत कुछ कहा है और ये भी कहा है कि ये मूवी भी आगे चल के क्लासिक कही जाएगी। जैसे कि क्रिटिक्स ने 97 में इनकी फिफ्थ एलिमेंट और आगे चल के रेजिडेंट ईविल जैसी मूवीज को बहुत ही ज्यादा क्रिटिसाइज कर रहे थे, मगर आज वो सारी मूवीज टोटल कल्ट क्लासिक कही जाती हैं। और ऐसा इसके साथ भी होगा। खैर चलो, जैसा भी हुआ, मूवी और कास्ट को कोई ये गिला शिकवा नहीं है कि उन्होंने काम खराब किया। कुछ हालात गलत थे तो कुछ क्रिटिक्स गलत थे तो कुछ हम भी गलत थे। सबके ओपिनियंस मैटर करते हैं और किसी की भी आवाज दबी नहीं रहनी चाहिए। तो कमेंट्स में आप जरूर बताना कि आपको कैसा फील हुआ इसको देखने के बाद, और आप क्या इस पिक्चर को हेट करने लगे हैं जैसे क्रिटिक्स कर रहे हैं, या फिर आपका भी कुछ अपना ओपिनियन है, कमेंट्स में उसके बारे में मुझे जरूर बताएं। इसके अलावा अगर आपको इस वीडियो में देखकर कुछ भी अच्छा लगा, खुशी हुई या मजा आया तो लाइक मार दो इस वीडियो को। इस चैनल पर नए आ गए हो सब्सक्राइब तो मार देना इस चैनल को, और अगर वीडियो ज्यादा ही अच्छी लग गई तो अपने दोस्तों शेयर कर देना। मेरे इंस्टाग्राम और ट्विटर हैंडल्स आपको नीचे ही डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और देखते रहिए पीजे एक्सप्लेन्ड।